हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काली मसूर की दाल। ये देखिए, मैंने दाल भिगोई है, मैंने 150 ग्राम दाल ली है। फ्रेंड्स, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं आज मसूर की दाल हम कैसे बनाते हैं। बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें दाल। ये मैं सारी दाल डाल दूंगी इसमें, और जितनी हमने बाउल डाल ली है उसी हिसाब से हम पानी लेंगे। फ्रेंड्स, इसका दुगना जाएगा इसमें पानी। ये देखिए, मैं इसी बाउल के नाप के पानी डाल रही हूँ। अभी फिलहाल मैंने एक ही बाउल डाला है। ये मैंने मीडियम साइज का एक टमाटर काट के रखा है फ्रेंड्स, ये भी इसमें जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप चाहे तो हल्का भी डाल सकते हैं और तेज भी डाल सकते हैं, जैसा आपको खाना हो। और मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें अच्छी लगती है ज्यादा। 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर लाल मिर्च पिसी हुई डालूंगी। ये देखिए, मैं 1/2 टीस्पून इसमें यहाँ पर पिसी हुई मिर्च डाल रही हूँ। धनिया पाउडर नहीं डालेगा फ्रेंड्स, बस यही सामान जाएगा, नमक, मिर्ची, हल्दी और एक मीडियम साइज का टमाटर। बहुत टेस्टी बनेगी सिंपल और सोबर दाल। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूंगी, और मैं यहाँ पर एक बाउल भर के पानी का और डालूंगी। बस इतना ही पानी जाएगा इसमें। अब हम कुकर की सीटी लगा देंगे और इसमें हम 5 विसिल लेंगे। विसिल लेने के बाद हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, फुल फ्लेम पे बनाएंगे। चलिए आइए। देखिए फ्रेंड्स, 5 विसिल आ गई हैं। अब मैं इसको खोल के देखूंगी। ये देखिए, दाल बिल्कुल हमारी गल चुकी है। देखिए, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी, फर्स्ट क्लास से। देखिए दाल, अब आप इसको पतला भी कर सकते हैं और इसको इतना ही गाढ़ा कर, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि बिल्कुल ठीक है दाल। अब मैं इसमें डालूंगी पुदीना। ये मैंने पुदीना काट के रखा है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसमें पुदीना डालूंगी। पुदीने से बहुत ही ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। पुदीना डाल के मैं इसमें 2 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही रखूंगी। थोड़ी सी दम पे आ जाएगी दाल, फिर हम आपको तड़का लगा के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तड़का बहुत टेस्टी लगता है इसमें। चलिए आइए, हम अभी आपको तड़का लगा के दिखाते हैं लहसुन का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर में से इस कढ़ाई में दाल शिफ्ट कर ली थी और मैंने पुदीना डाला था ना इसमें। पुदीना डालने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको पतला कर रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा था ये। थोड़ा मैंने पानी डाला है इसमें, मुझे गाढ़ी लग रही थी थोड़ी दाल। आपको पता है, तिरकते दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ये चावल के साथ बहुत टेस्टी लगेगी और रोटी के साथ भी। अगर रोटी के साथ खाना है तो आप इसको थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं, पका सकते हैं। मेरी दाल बिल्कुल पक के तैयार हो गई फ्रेंड्स। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत टेस्टी दाल बनेगी वाली। जितना आप कम सामान डालेंगे इसमें मसाले, उतना ही दाल ही टेस्टी बनती है। चलिए आइए, हम इसमें तड़का लगाते हैं। मैं आपको तड़का लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तवा रख दिया है, कढ़ाई, मतलब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसको तेज गरम कर लूंगी। ऑयल गरम होने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। ये मैंने जीरा लिया है थोड़ा चुटकी भर, और ये मैंने लहसुन लिया। लहसुन की मैंने 3-4 कलियां ली है फ्रेंड्स, आप ये सब डाल दीजिएगा इसमें। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म ही हो रहा है लगभग। हम इसमें लहसुन डाल देंगे सारा, और साथ में हम जीरा भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए, ये मैं जीरा डाल दूंगी। लहसुन का छोक इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। देखिए, हमारा लहसुन हो गया है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ गर्म करूँगी तो लहसुन हमारा जल जाएगा बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसमें भगा डाल के दिखाती हूँ। देखिए, हमारी दाल तैयार हो गई फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये काली दाल पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।